हाँ भाई, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं ओएलए X1 प्लस की। फटाफट से रैपर को उतार लेते हैं इस फ़ोन के बॉक्स से और अब हम देख लेते हैं बॉक्स के नाम क्या देखने को मिल जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ हाईलाइट फीचर्स पढ़ लेते हैं। इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3200 mAh बैटरी, 8 MP का बैक कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। और हम अब फटाफट से बॉक्स को खोल लेते हैं और देख लेते हैं फर्दर इन द बॉक्स हमें क्या देखने को मिल जाता है। तो यार सबसे पहले तो ऊपर फ़ोन रखा मिल जाता है जो कि कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है। अब हम फ़ोन को भाई रैपर से निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो यार, एक हवावे का फ़ोन आया था ना P30 प्रो, उससे काफ़ी मिलता जुलता डिज़ाइन है, आप देख ही सकते हो ये, और उसकी कॉपी आप उसको कह सकते हो इस फ़ोन को। इसके अलावा हम फ्रंट वाला साइड प्रोडक्ट रिमूव कर लेते हैं और हम देख लेते हैं बॉक्स में हमें क्या देखने को मिल जाता है। तो आप ये देख सकते हो इसके अंदर भाई आपको एक आगे कुछ सिलिकन पाउच होगा। तो जी हाँ, इसके अंदर आपको यार एक सिलिकन पाउच देखने को मिल जाता है जो कि यार काफ़ी नॉर्मल क्वालिटी का सही है। अब इसको हम रख लेते हैं भाई साइड पे और बॉक्स में हमें और क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यार इसके अंदर बेसिकली आपको एक कार्ड मिल जाता है जो कि 1 ईयर ऑफिशियल वारंटी का है और हमें एक गिलास प्रोटेक्टर देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है। और हमें एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है जिसको हम नहीं पढ़ने वाले, और बैटरी हमें देखने को मिल जाती है 3200 mAh की बैटरी। इसके अलावा माइक्रो यूएसबी की केबल है और आपको एक 1 Amp की पावर ब्रेक देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में। और आपको क्या मिल जाता है भाई, और एक हैंड फ्रीज भी देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में। तो भाई फटाफट से हम फ़ोन में बैटरी डालते हैं और फ़ोन ऑन करते हैं। आप देख सकते हो ओले का लोगो आ चुका है। और हम डिज़ाइन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो नीचे आपको माइक्रो यूएसबी केबल मिल जाती है और 3 कैमराज का डिज़ाइन दिया गया है, लेकिन इसमें से जो कैमरा है वो सिर्फ एक ही काम करता है, बाकी किसी ना काम के। और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है बैक वाले साइड में। बाकी अगर आपको कोई वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, आपका भाई इस तरीके की मस्त मस्त वीडियोस लाता रहेगा। तो यार अब हम फटाफट से कैमरे को चेक करते हैं तो किस तरीके की क्वालिटी मिलती है आपको कैमरे में। आप देख सकते हो 8 MP का कैमरा है, क्यों हमारे कुछ फ़ोन जाया करते थे इस तरीके की क्वालिटी होती थी उनमें भी, इसमें भी यार ऐसी क्वालिटी है। और फ्रंट वाले साइड में 5 MP कैमरा जो है, इसकी भी जो क्वालिटी है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और आप डिज़ाइन तो मुझे काफ़ी डिसेंट लग रहा है, लेकिन डिज़ाइन से क्या करना है यार, इस फोन में प्रोसेसर पता नहीं कौन सा मीडियाटेक वाला बेकार लगाया हुआ है। और डिस्प्ले तो मुझे काफ़ी डिसेंट लग रही है, एक वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन भाई इसका मतलब इसका हरगिज़ जो मतलब है वो ये नहीं है कि आप ये फ़ोन परचेज़ कर लो। और खाली डिज़ाइन को देख के भाई फ़ोन परचेज़ नहीं करना चाहिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और कोई प्रोसेसर इस फ़ोन में अच्छा नहीं है और ना ही कोई कैमराज अच्छे हैं इस फ़ोन में। बाकी इसमें आपको 2 GB RAM मिल जाती है, 16 GB स्टोरेज मिल जाती है जिसकी प्राइस है 9800 रुपये। और हम देख लेते हैं भाई हमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा मिलता है। तो 8 का हमें ओरियो वाला वर्जन देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड। तो यार मुझे बाकी ये फ़ोन तो काफ़ी एक डिसेंट लग रहा है। बाकी आप लोगों को ये फ़ोन जो है मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, ओले का कोई भी फ़ोन रिकमेंड नहीं कर सकता। तो बस यार इतना था छोटे के लिए, मिलते किसी अगली वीडियो में इस पेन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।